नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और दिखाते हैं शंकर जी गाड़ी की एक और घोड़ी, जिसके नीचे करीब महीने डेढ़ महीने की बच्ची भी है साथ में। तो आइए पूछते हैं शंकर जी से कि क्या है डिटेल इसकी। तो भाई साहब नमस्कार एक बार और। नमस्कार सर। तो इस घोड़ी की क्या डिटेल है, एक बार ये इसकी भी देखो, डिटेल। घोड़ी तो अपने परचेज करके लाए हैं। घोड़ी अच्छा तो अनोनी मानो आप, अच्छा 60 की हाइट है अच्छा और बच्ची स्टेलियन बागेरा की है, ये जो स्टेलियन बागेरा जो कहाँ पे खड़ा है, ये भिलवाड़ा में नानसा बन्ना के पास में खड़ा है। हाँ नैनसा के पास। जी, अच्छा उसकी बच्ची है। उसकी पंच कल्याण बच्ची है कितने मंथ की होगी बच्ची लगभग? ये। 12 तारीख महीने की हो गई है, दीपावली के दिन जन्मी हुई है। अच्छा, तो इसके क्या हाइट है इसके उस बागेरा घोड़ा की, इसके बागेरा फादर की? घोड़ा तो 64 है चौंसठ है। जी। अच्छा, और घोड़ी की क्या हाइट है लगभग? घोड़ी 60 है जी। 60 है। तो आप ये परचेज करके लाए हो? जी। हाँ, अच्छा, ठाण वगैरह अपने ही दिया। अपने दीपावली के दिन जन्मी है। अच्छा, तो इसमें भी कोई है सेल वगैरह? अब देखो, अगर इससे अच्छा आ गया तो बच्ची बच्ची कर देंगे, अच्छा और घोड़ी रख इसको लोगे। तो कोई विचार है नहीं, अच्छा, इंटरेस्टेड रहा तो अच्छा। बच्ची बच्ची को भले कर सकते हैं। पट्टा है ना, चार ही पैर सफेद है। चार अच्छा पैर पट्टा देवमा, इससे अच्छा बढ़िया है जी। जाओ तो जो ये बागेरा घोड़ा है वो किस लाइन का सर? ये जो सेवड़िया मठ लाइन से है, अच्छा सीताराम जी वाले घोड़े का बाप से भाई है जी। अच्छा बाप से। बोला साहेब भाई, बोला बताते हैं इसको, बोला का बच्चा है अच्छा, जी। और घोड़ी की लाइन है गन्नों ने? नहीं, घोड़ी तो देखो अनोनी है, अपने ही परचेज करके लाए, कहाँ से ली आपने? बिलवाड़ा से ली थी। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे पास तो इसे 5-6 महीने हुए। हाँ अच्छा, ठाण अपने ही दिया बच्ची? हाँ अपने ही है, प्रेग्नेंट आई थी, कन्फर्म अच्छा, वो नानसा बना घोड़े से ही है। घोड़ी घोड़ी पच कल्याणी है ना? पंच कल्याण, अच्छा बच्ची पंच कल्याण है। अच्छा घोड़ा। घोड़ा एक पैर माथे पट्टा है अच्छा थोड़ी घुमा के ले आओ। तो शंकर जी अभी अपने पास कितने हैं घोड़ा घोड़ी लगभग? अभी। लगभग लगभग सब 10-11 जानवर हैं, अच्छा और पुष्कर में दे के आए हैं 11 जानवर तो अच्छा 11 है पुष्कर में सेल करके आए। जी। सब मारवाड़ी नुकरे सब थे, अभी अच्छा भी मारवाड़ी नुकरे भी है और अच्छा शादी ब्याह के भी है। तो सेल परचेज का, शादी ब्याह का, सबका हाँ काम है ना सब अपना? सबका काम है, अच्छा ब्रीडिंग का भी कर देते हैं। अच्छा एक दो घोड़ी ब्रीडिंग की भी रखते हो? हाँ, जो अपने वहाँ चलो शौक के लिए मारवाड़ी सही ब्रीड। है सही है। तो आपके हिसाब से क्या कहना, मतलब जैसे ब्रीडिंग का करना सही रहता है या घोड़ा नहीं शादियों का ब्याह देखो, का? अगर पूंजी होती है तो ब्रीडिंग का भी अच्छा है, अच्छा घर की पूंजी पे, नहीं अच्छा तो खाना कमाना तो यही है, सही बात है। तो किसान के लिए तो दोनों तरफ से चले तो और अच्छा है। अच्छा मतलब ये दो क्योंकि जानवर रखे, एक ये भी रखे और हाँ, ये भी रखे। तो क्या है, इनका थोड़ा खर्चा भी चल जावे और ब्रीडिंग भी हो जावे। बाकी देखो, ब्रीडिंग तो बड़े आदमियों काम की है, सही है, सबसे बड़े बड़ी फार्म बात। वाले हैं जो हाँ भी, जी, इनके पास पैसे पड़े हैं, सही बात सबके है। पैसे हैं, तो उनपे चलता रहता है। अब किसान क्योंकि आदमी तो हाँ, घोड़ी पे रिसर्च करनी होती है। ये ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि भाई पैदा करके बताओ कि भाई ये जानवर इससे पैदा अच्छा होता है उससे। ये जरूर अपने को किसान है, अनुभव ले लेते हैं कि चलो सही बात है। ब्रीडिंग कर लेते हैं। तो अपने पास ऑस्ट्रेलियन घोड़े कितने हैं? एक ही है? ऑस्ट्रेलियन तो अभी लाइन में तो एक ही है, अच्छा बाकी जो नुकरे संजाब में दो खड़े हैं, अच्छा तो जो ब्रीडिंग मतलब कवरिंग का काम भी है अपने कवरिंग भी पास? करा देते हैं, बरातों में चलते हैं अच्छा अच्छा ये। बिल्कुल कोई घोड़ी वगैरह लेके आए तो आप कवरिंग भी दे देते? बिल्कुल करवा देंगे, हाँ बाकी नुकरा फीस का संजाब। ऐसा कोई नहीं है, नॉर्मल नहीं, फीस ही फीस होगी? का कोई इशू नहीं है, तो हाँ अपने किसानों के हिसाब से इसका कोई वो नहीं। तो आसपास के गांव से आती होगी कवरिंग के लिए? हाँ चलते हैं, किसानों की घोड़ी तो आ ही जाती है, नॉर्मल तो ठीक ठीक साहब। ऐसे चलता रहता है। तो शंकर जी आपका एक बार एड्रेस और बता दीजिए और मोबाइल नंबर और ये बता केसरपुरा दीजिए। गांव है, बदेसर तहसील, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मोबाइल नंबर 9964-07-2572। शंकर लाल जी गाडरी। हाँ जी, ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है साहब, धन्यवाद।